जनता परिवार वुमेन्स विंग की जानिब से आज गुलबर्गा वार्ड नंबर 15 में फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें चुन्ना भट्टी, अबूबकर कॉलोनी और दीगर आसपास के इलाकों से लोग यहां विजिट कर इस कैंप से फायदा हासिल किए हैं। उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर जनता परिवार वुमेन्स विंग ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया था। इस मौके पर डॉक्टर तनवीर उस्ताद के साथ उस्ताद हॉस्पिटल के डॉक्टर एंड स्टाफ टीम यहाँ मौजूद थी। इस कैंप में खासकर महिलाएं और बच्चों से जुड़ी तमाम बीमारियों का डायग्नोस कर फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर सिराज शाब्दी ने कहा, गुलबर्गा शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जरिए सही इलाज नहीं हो रहा है। तमाम गरीब, मुस्तहिक और जरूरतमंद मरीजों का मेडिकल चेकअप कर फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने इस तरह के हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जनता परिवार के जरिए आने वाले दिनों में शहर के हर वार्ड में इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज कर उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए हेल्थ चेकअप कर फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 15 में हुआ यह हेल्थ कैंप काफी कामयाब रहा और इस मौके पर जनता परिवार के तमाम जिम्मेदार और उस्ताद हॉस्पिटल से डॉक्टर तनवीर उस्ताद एंड टीम ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज वार्ड नंबर 15 में लेडीज विंग की तरफ से हेल्थ कैंप मुनाकिद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हेल्थ कैंप रहा, कई सारे लोग आए, इसका फ़ायदा उठाए और खुसूसन मैं डॉक्टर तनवीर उस्ताद और उनकी टीम को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस नेक काम में शामिल हुए और इसमें इस काम को अंजाम दिया। देखिए, आवाम को ये समझना ज़रूरी है कि जो एरिया में वार्ड हेल्थ कैंप होते हैं, ये कैंप होने का मकसद क्यों, मतलब वजह क्या है होने का। अगर आपके वार्ड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपके वार्ड में अगर रहता, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अगर काम बराबर होता, तो ऐसे हेल्थ कैंप की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत अफसोस की बात है कि जितने भी वार्ड के कॉरपोरेटर्स रहते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे गुलबर्गा के, ये लोग हेल्थ सेक्टर को भूल चुके हैं। ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाकर हालत देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर सिटी का डेवलपमेंट देखना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आप हालत देखिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अगर सही हो रहा है, वहाँ पर हर काम अच्छा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि सिटी का डेवलपमेंट है। अफसोस की बात है, गुलबर्गा, हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज नल है, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नो डेवलपमेंट प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो चुका है देर, और वहाँ पर मैन पावर भी कोई काम नहीं करे, और उसका जो इफेक्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर पड़ रहा है वार्ड के ऊपर। एज़ पर लॉ के हिसाब से, एज़ पर हेल्थ सेक्टर लॉ के हिसाब से, जहाँ पर 30,000 की पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर आना ज़रूरी है, मगर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में है, वार्डों के अंदर नहीं है। अगर जो वार्ड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसे कई सारे चीज़ें। ये चीज़ों के लिए क्या है, आवाम सवाल करना, आवाम पूछना, जब आवाम अगर पूछेंगी तो ये चीज़ें दुरुस्त होते। हम लोगों को ऐसा वार्ड एरिया में आके कैंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ मैं कि आप सवाल करना शुरू करिए, जितने लोग को आप चुन कर लाए, चाहे वो वार्ड का कॉरपोरेटर हो या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको सवाल करिए। इंशाल्लाह हमारा काम यही है, हमारा ऑब्जेक्टिव सीधा है, जनता परिवार का, वी कॉन्सेंट्रेट ऑन एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, रोजगारी और करप्शन के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की रोजमर्रा ज़िंदगी के लिए, ये दो चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। अगर एजुकेटेड, एजुकेशन, अगर आपके घर में एजुकेशन आया तो आपका घर पूरा डिसिप्लिन और सुधर जाएगा। हेल्थ सेक्टर अगर सही रहेगा, तबीयत आपकी अच्छी रहेंगी, तो आप घर को देख सकते हैं, घर वालों की मदद कर सकते हैं। बहरहाल जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके वार्ड में ऐसे हेल्थ कैंप होना है, तो वी हैव उस्ताद हॉस्पिटल विद अस, हम उनको कोऑर्डिनेशन में लेकर आपके पास हेल्थ कैंप रखेंगे। शुक्रिया। उस्ताद किडनी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नए सेटअप के इनॉग्रेशन के बाद ये पहला मेडिकल हेल्थ कैंप रखा गया है। कॉन्सेप्ट तो ये जनता परिवार के तरफ से प्रेसिडेंट नीलोफर हैं, आसिया हैं मैडम हैं, और नाजिमा हैं, शबाना मैडम हैं, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सिराज साहबी साहब, ये लोग का कॉन्सेप्ट है और बड़ा अप्रिशिएबल कॉन्सेप्ट था। चाहते थे कि एक तो लोगों को फ़ायदा हो, तो अप्रिशिएट करते हैं हम ऐसे एफर्ट्स को, एंड वी आर ऑलवेज देयर। ये लोग जनता परिवार, एज वी ऑल नो, मेरे को तो मालूम है सिराज साहबी साहब को वगैरह, कि ये लोग एक अच्छे साफ दिल से एक सोशल कॉज के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। इनका कुछ भी काम रहेगा, इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज देयर, वी विल ऑलवेज सपोर्ट, और इसी बहाने एक सर्विस भी हमारे को कम्युनिटी की तरफ से होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये कैंप सक्सेसफुल जाएगा, अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस जनता परिवार एंड मैडम, आप सबको बहुत बहुत
गंगा जी। वैसे ही ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि और कोई ऐसे कुछ नोबल कॉज के लिए और कैंप्स रखना चाह रहे कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एरियाज में, तो वी आर फोर्थ कमिंग, हम लोग हमेशा तैयार हैं। और इसके अलावा भी हेल्थ कैंप्स के अलावा भी अगर पेशेंट्स को कोई अलग हेल्प चाहिए तो उस्ताद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज ऑलवेज देयर फॉर यू, हम लोग हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक, उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज हमने वार्ड नंबर 15 चुनापट्टी के पास एक मेडिकल कैंप लगाया था, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 160 पेशेंट देखे, जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड और स्ट्रोक के पेशेंट देखे, बहुत सारे बच्चों को देखा। पीडियाट्रिशन थे हमारे साथ, पीडियाट्रिक बच्चों को देखा जिसको खून कमी की शिकायत थी, एनीमिया था, उसके लिए भी बहुत सारे दवाई दिए। और बहुत सारे लोगों को अनडाइग्नोस्ड शुगर था, अनडाइग्नोस्ड बीपी था, जिसके लिए हम डाइग्नोस किए और उसके लिए दवाई भी प्रोवाइड किए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की तमाम आवाम का और सिराज शाहबजी साहब का भी, और शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर तनवीर हुसैन उस्ताद साहब जिसने मेडिकल कैंप इनेखाद किया और यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया। तो शुक्रिया करता हूँ मैं सभी हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे फार्मेसी स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने कैंप को सक्सेसफुल किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज वार्ड नंबर 15 में हेल्थ कैंप रखा गया था उस्ताद हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ पे हम लोगों को कौम की खिदमत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर ऐसा आगे भी कहीं पर भी कैंप्स की ज़रूरत हो रही तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल जो डॉक्टर तनवीर उस्ताद इसके ओनर है, उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, आवाम की खिदमत के लिए भी उन्होंने हमेशा आगे रहते, तो ऐसा कुछ भी इनिशियेटिव देख के हम इवत सूदनू नावि वार्ड नंबर 15 जनता परिवार आर्गनजेशन कड़ी नावे सेरदी ऐर्गनजेशन कड़ी समाजमुखी कार्य अंत वो आलोचने बंदा नावे सेरीरतको ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದಂಥ ನಿಲೋಫರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ತಂಡದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ ಕಿಡ್ನಿ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯನೇ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಕೆ ತರಫ್ ಸೆ ಯಹಾನ್ ಪೆ ಏಕ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 15 ಮೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಖಾ ಗಯಾ ಥಾ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ, ಔರ್ ಮೈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 15 ಕಿ ಅವಾಮ್ ಸೆ ಶುಕರ್ ಅದಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಿ ಹೂನ್ कि वो आए और अपना फ्री चेकअप कराए. और मैं डॉक्टर तनवीर उस्ताद का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ और उस्ताद हॉस्पिटल की पूरी टीम का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ. और मैं हमारी जनता परिवार की टीम का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ ठहरे और हमें सपोर्ट भी किए और इस कैंप को कामयाब भी किया. और मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ मेरे शौहर का जो मुझे सपोर्ट किए और यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद किए. वार्ड नंबर 15 में चुन्ना भट्टी के पास जो हेल्थ कैंप रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्सेसफुल हो गया है. और वार्ड नंबर 15 की आवाम से भी मैं दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जैसे कि सुबह से वो वक्त निकाल के आए और इसको पूरा किया. और हमारी लेडीज़ टीम का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, जैसे कि नीलोफर मैडम है, नाजिमा मैडम है, शबाना मैडम है. हम लोग पूरे सुबह 8 बजे से टाइम निकाल के और इस क्लैंप को कामयाब किया. और जैसे कि डॉक्टर तनवीर उस्ताद साहब है और उनके हॉस्पिटल की जितनी भी टीम है यहाँ पे आई, टाइम निकाली और हमारा साथ दिया, उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ.